तो फाइनली हमने चिकन कढ़ाई बनाया है देखो, और ये हमने डिश आउट कर लिया है। तो अभी आपको दिखाएंगे चिकन करी का टेस्ट और राइस का, हम चेक करेंगे तो कैसा कॉम्बिनेशन दोनों का। एकदम सिंपल तरीका आपको दिखा दिया मैंने, अभी खा के दिखाएंगे आपको भी। बड़े देर से देखो, शुरू में लेग पीस देखो कितना बढ़िया तरह से पका है। देखो हमने एकदम कढ़ाई पे पकाया, देखो एकदम बढ़िया, देखो बढ़िया तरह से पक गया देखो चिकन लेग पीस। तो इसको हम क्या करेंगे, चावल के साथ थोड़ा ले लेंगे और हाय गाइस, तो आज मैं बनाने जा रहा हूँ कढ़ाई चिकन, जो कि बिल्कुल आसान तरीके से हम बनाने वाले हैं, जो कि कोई भी बना सकता है। इतना बढ़िया लोहे के कढ़ाई में बनाएंगे और इसके अंदर हम मिक्सी का यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे। आप रेसिपी को लास्ट तक देखो, मेरी रेसिपी फॉलो करो तो आपको 100% टेस्टी लगेगा खाना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। पहले चिकन बनाने के लिए हमें एक कढ़ाई चाहिए, तो कढ़ाई हमने लोहे का लिया है जो कि खाने में भी टेस्टी रहेगा। बिल्कुल अंदर तक, चिकन के अंदर तक मसाले जाएंगे। देखो पहले डालेंगे सरसों का तेल, ढेर सारा सरसों का तेल डालना है हमने, ढेर सारा सरसों का तेल डालना है हमने। चिकन कढ़ाई बनाने के लिए देखो हमने अदरक जो लहसुन कूट के लिया है, टोमेटो को ऐसे स्मैश करके लिया है, इसको मिक्सी में नहीं पीसा है। बनाने के लिए हमने इस प्रकार मसाला लिया है, काला मसाला, लाल मसाला, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और अदरक और लहसुन कूट के लिया हमने, और टोमेटो को हमने स्मैश करके लिया है। देखो इसको पीसना नहीं, ऐसे स्मैश करके लेना है। और 3 ऑनियन लिया है कढ़ाई में हमने, सरसों का तेल लिया है। सबसे पहले हम डालेंगे इसके अंदर जीरा, और इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर अदरक और लहसुन जो कूट के डाला है। अदरक और लहसुन को बढ़िया तरह से खुशबू आने तक इसको पका लेना है। और इस पॉइंट पे हम इस पे डालेंगे ढेर सारा ऑनियन। इसके अंदर 3 ऑनियन डालेंगे काट के, ऐसे लंबे लंबे काट के डालना है, पतले पतले लंबे लंबे काट के डालना है। पकड़ गई खुद। अभी हमने सरसों के तेल में जीरा डाला है, तो इस पॉइंट पे हम डालेंगे इसके ऊपर नमक। नमक डाल लिया, नमक को थोड़ा घुमा लेंगे और हल्का सा प्याज को ज्यादा पकाना नहीं, थोड़ी देर पकाना है, बस 1 से 2 मिनट पकाना है मात्र। हमने 2 मिनट प्याज को पका लिया है, इस पॉइंट हम इसके अंदर डालेंगे चिकन, जो कि हमारा चिकन 1 kg है। चिकन को बड़े तरह से मिक्स कर लेंगे और प्याज और चिकन एक साथ ही पकेंगे, इसलिए प्याज को हमने ज़्यादा पकाना नहीं, थोड़ा भुनना है इसका स्मेल जाने तक, और इसका बढ़िया तरीके से पकेगा प्याज। एकदम बढ़िया तरीका है, आसान तरीका है बनाने का, तो खाने में भी इतना टेस्ट लगता है। तो हमने चिकन को 3-4 मिनट तक फास्ट फ्लेम पे पकाया है। अब इस पॉइंट पे हम डालेंगे मसाले, गरम मसाला, लाल मिर्ची, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर। इतना आइटम, ज़्यादा नहीं डालना है मसाले, इतनी डालना है, और इसको भून लेना अच्छी तरह। अभी गैस का फ्लेम हम स्लो करेंगे, पहले 5 मिनट हमने फास्ट फ्लेम पे पकाया, अभी स्लो रखेंगे। तो हमने इस तरह चिकन को मिक्स कर लिया है और इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं डाला अभी तक, चिकन ने इसको पानी छोड़ा है, तो हमने अभी तक चिकन पानी नहीं डाला चिकन में। तो इसको अभी 10 से 15 मिनट, जब तक चिकन थोड़ा 70% नहीं पकेगा तब तक हम इसको ऐसे ही स्लो आंच पे पकाएंगे। तो चिकन ने देखो बढ़िया तरह से ग्रेवी छोड़ा है, हमने इसके अंदर अभी तक पानी डाला नहीं है। 5 मिनट तक हमने ढका था इसको चिकन को, तो देखो पानी कैसे छोड़ा है देखो। तो अभी हम इस पॉइंट पे हम इसके अंदर डालेंगे जो टोमेटो हमने स्मैश किया था वो डालेंगे और इसको बढ़िया तरह से मिक्स कर लेंगे। फाइनली हमारा कढ़ाई चिकन रेडी है, अभी हम इसको बंद कर लेंगे गैस को।
तो थोड़ा सा धनिया डाला है हमने इसके ऊपर। तो देखो, इसके अंदर हमने पानी बिल्कुल नहीं डाला है। तो अभी हम इसको टेस्ट करेंगे और आपको बताएंगे। तो फाइनली हमने चिकन कढ़ाई बनाया है देखो, और ये हमने डिश आउट कर लिया है। तो अभी आपको दिखाएंगे चिकन करी का टेस्ट और राइस का, हम चेक करेंगे तो कैसा कॉम्बिनेशन दोनों का। एकदम सिंपल तरीका आपको दिखा दिया मैंने, अभी खा के दिखाएंगे आपको। अभी बड़े देर से देखो, शुरू में लेग पीस देखो कितना बढ़िया तरह से पका है। देखो हमने एकदम कढ़ाई पे पका है, देखो एकदम बढ़िया, देखो बढ़िया तरह से पक गया देखो चिकन लेग पीस। तो इसको हम क्या करेंगे, चावल के साथ थोड़ा ले लेंगे, वाइट लेना है और खाने का मजा लेना है। एक नंबर। इतना बढ़िया बना है ग्रेवी, आप यकीन नहीं मानोगे इतना बढ़िया बने। इतना आसान तरीके, इतना सिंपल हमने बनाया कढ़ाई पे, लोहे के कढ़ाई में। तो इसके चिकन के अंदर तक गया हुआ रस। थोड़ा सा प्याज, गाजर, बहुत ही बढ़िया बनाया। और ये राइस के साथ खाना है आपने, बढ़िया बढ़िया सा बासमती राइस। और एक इसके अंदर ग्रेवी के अंदर पानी डालना नहीं, ऑटोमेटिक चिकन पानी छोड़ेगा। तो बहुत बढ़िया टेस्ट लग रहा है, मजा आ रहा है खाने में। और जो लोग देख रहे हो प्लीज सब्सक्राइब भी करो। तो चलो, मेरे को तो और थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा बनाने के लिए। आपके लिए ऐसे ही नए नए आसान रेसिपी में लाता रहूंगा, और खाने में भी टेस्टी और दिखने में भी बढ़िया। तो आपका सपोर्ट मुझे है ही ऐसे, तो ऐसे मुझे सपोर्ट करते रहो। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलो। ओके, बाय बाय।